हेलो फिन फार्मर्स, क्या हालचाल, सब बढ़िया। आपके अपने क्रिप्टो चैनल फिन फार्म में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम एक्सडैग माइन करने वाले हैं। एक्सडैग ये वीडियो बनाते टाइम सबसे प्रॉफिटेबल क्रिप्टो करेंसी है माइन करने के लिए। अब एज अ माइनर हमें अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो हम इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से नहीं जाने देंगे। अब एक्सडैग सबसे पहली माइनेबल डैग क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है। अब हमें इन डेप्थ नहीं जाना, हमें प्रॉफिट दिख रहा है, एज अ माइनर इस प्रॉफिट को एक्सप्लॉइट करना। थोड़े से बेसिक्स में बता देता हूँ। एक्सडैग का भी करंट प्राइस चल रहा है $0.015। मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसका $18 मिलियन का, ठीक है। अब ऐसी क्रिप्टो करेंसीज में जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन काफी कम होता है ना, इसमें पंप एंड डंप स्कीम बहुत इजीली एप्लीकेबल हो जाती है। अगर बुल रन चलता है तो ऐसी ही क्रिप्टो करेंसी जिनका मार्केट कैप कम है वो मार्केट को आउट परफॉर्म कर सकती है। ये नहीं कह रहा सब करती हैं, बट हाँ चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं कि जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन छोटा है वो बुल रन में बाकी क्रिप्टो करेंसी को आउट रन कर जाती है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमें जाना है xdag.io पे। अब माइन करने के लिए हमें ना तीन चीजों की जरूरत होगी। एक आपका माइनिंग सॉफ्टवेयर, सेकेंडली आप एक वॉलेट, और तीसरा सिंस एक्सडैग एक बहुत पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी नहीं है, ये सिर्फ दो ही एक्सचेंजेस पर लिस्टेड है, तो हम उन एक्सचेंजेस के बारे में भी पता करना है। xdag.io पर आओगे तो सबसे पहले आपको वॉलेट अपना डाउनलोड करना है। मैं यहाँ पे एंड्रॉइड वॉलेट यूज करने वाला, तो डेफिनेटली अभी मैं विंडोज चला रहा हूँ तो विंडोज पे दिखा नहीं सकता, बट हाँ आप विंडोज वॉलेट भी डाउनलोड कर सकते हो, आप iOS भी कर सकते हो, आप लिनक्स भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। वॉलेट सेट करोगे, दो मिनट का काम है। अगर नहीं भी आता है तो सारे वॉलेट्स लगभग एक ही तरीके से सेटअप हो रहे होते हैं, चाहो तो ये मेटामास्क की वीडियो देख सकते हो। अब एक बार आप वॉलेट सेटअप कर लो तो हमको जाना है xdag.org। xdag के लिए अभी सिर्फ दो ही माइनिंग पूल्स अवेलेबल हैं, एक xdag.org जिसके पास सबसे ज्यादा नेटवर्क हैश रेट है, तो डेफिनेटली हम भी xdag.org ही यूज करने वाले हैं। अब माइनिंग सॉफ्टवेयर भी ना हमें यही माइनिंग पूल प्रोवाइड कर देगा, जस्ट आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना है आपको किस माइनिंग पूल में जाना है, ठीक है। अगर आपको इक्वल्स में जाना है, इक्वल्स क्या, आप पूल में माइनिंग कर रहे हो, ठीक है, रिसोर्सेज शेयर करके कर रहे हो, एंड सोलो आप अकेले माइन करो, जो भी आप रिपोर्ट्स माइन करोगे वो सिर्फ आपके होंगे, आपको किसी के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको फीस देनी पड़ेगी, ठीक है। माइनिंग में ना मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा इक्वल में चले जाओ, या आपको रिस्क फैक्टर अपना कम करना है इक्वल में चले जाओ। मैं लेकिन यहाँ पर सोलो करने वाला हूँ, तो स्टार्ट माइनिंग। सिर्फ मुझे यहाँ पर अपना वॉलेट एड्रेस पेस्ट करना है, जो भी आप अपना वॉलेट सेटअप करोगे तो डेफिनेटली आपको एक वॉलेट एड्रेस दिखा देगा, तो आपको वॉलेट एड्रेस यहाँ पे पुट करना है। एंड ऑप्शनल वर्कर नेम, सिंस मैं अभी सोलो माइन कर रहा हूँ तो लेट सपोज लकी, ठीक है, क्योंकि सोलो में सब आपका लक बेस्ड फैक्टर चला जाता है। तो स्टार्ट माइनिंग। तो आप जैसे ही स्टार्ट माइनिंग पे क्लिक करोगे, आपके लिए एक zip फोल्डर डाउनलोड कर लेगा जिसमें आपका माइनिंग सॉफ्टवेयर ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड होगा आपके वॉलेट एड्रेस के हिसाब से। मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ एंड मैं zip फाइल एक्सट्रैक्ट कर चुका हूँ। जब आप खोलोगे आपको भी कुछ सिमिलर ही फाइल्स दिख रही होंगी। सबसे पहले आपको काम करना है XMR रिग पर राइट क्लिक करना है, देन प्रॉपर्टीज पर जाना है। प्रॉपर्टीज पर जाके कंपैटिबिलिटी एंड रन दिस प्रोग्राम एज एन एडमिनिस्ट्रेटर अप्लाई, एंड जैसे ही आप ये कॉन्फ़िगरेशन सेट कर दोगे आपको सिर्फ अपने इस बैट फाइल पे जाना है एंड इसको डबल क्लिक करके रन कर देना। डेफिनेटली आपसे पहले परमिशंस एंड ऑल मांगेगा, रन एनीवे। ठीक है, तो ये माइनिंग सॉफ्टवेयर मैं अभी पहली बार रन कर रहा हूँ, तो ये मुझे दिखा रहा है कि यूज पेजेस 0% है, लेकिन जैसे ही मैं इसको रीस्टार्ट करूंगा तो डेफिनेटली यूज पेजेस ऑटोमेटिकली 100% पे आ जाएंगे। अगर आपकी यूज पेजेस में दिक्कत आ रही हो, ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा हूँ परमिशन ग्रांटेड नहीं है, यूजुअली यहाँ पे ही शो करता है। अगर आपको ये चीज नहीं दिखा रहा है तो आपको एक बार इसको फिर से रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना, एंड एक बार सिस्टम रीस्टार्ट कर लोगे तो परमिशन आपकी ग्रांटेड हो जाएगी एंड यहाँ पर 100% आपको एलोकेट हो जाएगा। सभी मेरे पास यूज पेजेस 100% एलोकेटेड नहीं हुए हैं, तो इसकी माइनिंग स्पीड अभी धीरे आने वाली है, लेट्स सी कितनी आती है, ठीक है। तो माइनिंग शुरू हो चुकी है एंड जो मुझे स्पीड मिल रही है दैट इज 1150 हैशेस, एंड अभी मेरा सीपीयू जो है 50% पे काम कर रहा है, नॉट 100%, क्योंकि मेरे पास 8 थ्रेड्स हैं एंड 4 थ्रेड्स पे काम कर रहा है, और साथ ही साथ इसने शेयर्स ढूंढने भी शुरू कर दिए, एक्सेप्टेड। तो मैं इस माइनर को अगले 2-3 घंटे तक रन होने दूंगा, क्योंकि अभी मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली इसकी जो स्पीड है वो रिड्यूस हो जाती है, एंड सेकेंडली मेरा सीपीयू भी 50% पे ऑपरेट कर रहा है।
वीडियो बनाते टाइम XDAG अभी सिर्फ दो ही एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है, एक है Coinex एंड सेकंड इज Azbit. Azbit पे जो 24 आवर्स का ट्रेडिंग वॉल्यूम था वो $50 भी नहीं था, तो डेफिनेटली हम Azbit यूज नहीं करने वाले, हम Coinex यूज करने वाले, क्योंकि Coinex पे जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो $8,000 से ऊपर का है, तो हमें बेटर लिक्विडिटी मिल जाएगी Coinex पे. अब आप वीडियो में यहां तक पहुंच ही चुके हो तो डिस्क्रिप्शन में जो मैंने आपके साथ लिंक शेयर करी है उसी के थ्रू Coinex पर आप साइन अप करना, क्योंकि उससे आपको 15% तक ऑफ मिलेगा फॉर एवर आपकी ट्रेडिंग फीस. तो जब आपकी ट्रेडिंग फीस में जो भी परसेंटेज ऑफ हो रही है तो आपके वो प्रॉफिट में ही आना होगी, तो इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से मत जाने देना. XDAG की माइनिंग मुझे ऑन क्यू लगभग 3 से 4 घंटे हो चुके हैं एंड मैं दो अलग अलग सिस्टम्स के थ्रू माइन कर रहा हूँ. एक मैं कर रहा हूँ Ryzen 5 3600 से एंड एक मैं माइन कर रहा हूँ i5 11th जनरेशन से. तो माइनिंग स्पीड मुझे चेक करने के लिए वापस XDAG.org पे जाने के बाद यहाँ पर अपना वॉलेट एड्रेस पेस्ट करना है, शो वर्कर डिटेल्स. तो मेरे दो अलग अलग माइनर्स यहाँ पे शो कर रहा है, हालांकि मैंने दोनों का नाम लकी ही रख दिया क्योंकि ये सोलो माइन कर रहा है, वैसे ऐसा करना नहीं चाहिए, स्टिल मैंने कर दिया, इट डजंट मैटर क्योंकि यहाँ पे दो ही वर्कर्स हैं तो मैं इजीली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, क्योंकि Ryzen जो मुझे हैश रेट दे रहा है दैट इज 5 किलो हैशेस की एंड i5 जो दे रहा है दैट इज मुझे 1.5 किलो. 3 से 4 घंटे तक सोलो माइनिंग में अभी तक मेरे माइनर्स ने कोई भी ब्लॉक फाइंड नहीं करा. मैं डेफिनेटली आपको एक हफ्ते में अपडेट करूंगा कि कितने मैंने अपने लक के बेसिस पर ब्लॉक्स माइन करे. FinFarmers, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में FinFarm के डिस्कॉर्ड सर्वर की लिंक मिल जाएगी, वो सर्वर अभी की अभी ज्वाइन कर लो ताकि आपको कोई भी माइनिंग रिलेटेड क्वेरीज होती हैं तो आप उस सर्वर में पूछ सको, और अगर आपको कोई स्पेसिफिक ट्यूटोरियल चाहिए किसी और क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग से रिलेटेड तो लेट अस नो इन द कमेंट्स ताकि हम उस पर कंटेंट रेडी कर सकें. हमारे पास ऑलरेडी एक रिक्वेस्ट आ रखी है कि ग्राफिक कार्ड के थ्रू मोनेरो माइन करना है, तो उस पर एक ट्यूटोरियल बना रहे हैं हम, वो नेक्स्ट वीक तक रिलीज हो जाएगा. तो अब आप वीडियो में यहां तक पहुंच ही चुके हो तो बिना लाइक बटन प्रेस करें मत जाना, और ऐसी और कंटेंट के लिए FinFarm को अभी की अभी सब्सक्राइब कर लो. हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ.